इंदौर में प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण। इंदौर में प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र के ग्राम बड़िया कीमा की है, जहां मंगलवार सुबह मालाखेड़ी नाले के पास एक अज्ञात शव मिला, जिसकी पहचान 21 वर्षीय विनोद चौहान के रूप में सामने आई है। शनिवार रात युवक के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शव पर बिजली के तार से गला घोटने और शरीर पर कई चोट के निशान हैं। देखो, हमको तो पता चला लड़की से, जो लड़की थी उसी ने बताया, बोले तुम्हारे लड़के को जल्दी ढूंढो, बोले मेरे मम्मी पापा तीन जने मिल के पकड़ के ले गए हैं, बोले कोई मार नहीं डाले, इसलिए तुम जल्दी ढूंढो, मैं भी ढूंढ रही हूँ लड़की। बढ़िया की माँ, बढ़िया की माँ रहते हैं खेत। बातचीत थी फ़ोन पे, फ़ोन करके वो खेती में ही काम करते हैं। 21 साल, विनोद। हाँ, प्रेम प्रसंग का मामला है। जी हाँ, उसके लड़की के माता पिता, पूरा परिवार। नाम उसका, एक का पापा का नाम है रमेश, उसके भाई का नाम है शिवा, लेडीज़ का नाम नहीं पता उनको। ले गए उसके बाद तो मिला ही नहीं, तीन या चार दिन बाद, दो रातें दो दिन हो गए जब जाके लास्ट मिली हमको। छोरी ने बताया, बड़े कीमा से 1 किलोमीटर आगे नाले में, और हाँ चोट के निशान है शरीर पे, पूरे शरीर पे। और छोरी ने बयान दिया, छोरी ने बयान भी दिया है कि बोले मेरे मम्मी पापा पकड़ के शनिवार रात के 11 बजे से गए थे। ये कल मिली है 4 बजे शाम को, 5 के आसपास। खुड़ेल के ग्राम बड़िया की माँ के नदी के पास में हमें एक विनोद पिता श्याम चौहान की डेड बॉडी मिली है, और उसमें ये पाया गया है प्रारंभिक तौर पे कि इसका एक लड़की से प्रेम संबंध था, और घटना के रात्रि में ये लड़की से मिलने गया था। उसी बात को लेके लड़की के परिवारजन और इनके बीच में विवाद हुआ, और उसी से प्रारंभिक दृष्टि से हत्या किया जाना प्रतीत होता है। वर्तमान में हमने पीएम करवाया, उसकी पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही प्रकरण पंजीकृत कर लेंगे। कौन आरोपित में शामिल है? मेरे लड़की के पिताजी और उसका भाई और उसकी माँ। तो लाश को कहाँ फेंका गया था? घटना जो जहाँ मारपीट हुई थी वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे, वो आपकी सीजनल नदी है संबत्ति नदी, उसके नाले में उसकी डेड बॉडी। प्रेम प्रसंग के मामले में मतलब हत्या हुई है? प्रेम प्रसंग को लेकर, उसी बात को लेकर लगभग 2 साल से उस युक्ति का मृतक से प्रेम संबंध था। मृतक की शादी शुदा है? मृतक की एक पत्नी पहले शायद छोड़ गई है, तो विवाहित है, उसके बच्चे भी हैं मृतक। महिला अभी कुमारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।